दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ईएनटी स्पेशलिस्ट। नमस्कार, मैं हूं मोनिका, आप देख रहे हैं केबीटीवी बिहार। पंचायत चुनाव 2021 के चुनावी कवरेज के दौरान अभी हम मौजूद हैं बेगूसराय ज़िले के बछवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत रशीदपुर पंचायत में, और रशीदपुर पंचायत से महिला उम्मीदवार मुखिया पद के प्रत्याशी हैं प्रतिमा देवी। तो चलिए हम इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि कौन सी नई उमंग के साथ इन्होंने राजनीति में उतरे हैं और क्या सोच लेके किस तरह की ये विकास कार्य करेंगे अपने पंचायत में। नमस्कार मैम, केबीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम प्रतिमा देवी, रशीदपुर पंचायत प्रत्याशी मुखिया प्रतिमा देवी। मैं यहाँ के पंचायत में अगले बार भी मुखिया रह चुकी हूँ। इस बार भी मेरा उद्देश्य है कि रशीदपुर पंचायत की जनता को मैं खुशहाल रख सकूँ। यहाँ का विकास ही मेरा लक्ष्य है जी। आगे जो होगा वो तो जनता बताएगी जी। तो मैम, आप पिछली बार भी पंचायत चुनाव में मुखिया पद पे खड़ी हुई थी। हाँ। तो ये चुनाव का ये जो दौर कब से शुरू, राजनीति का दौर कब से शुरू, कैसे रुझान हुआ राजनीति में? मेरा बच्चा तो 2005-06 से ही इसमें आया है। उसका मतलब जनता के प्रति रुझान, उसका सेवा हम लोग को भी उसमें प्रेरित कर दिया, हम भी उसमें आ गए। लेकिन उसका काम, उसका सेवा, उसी का सब है जी। मैं तो मैम माध्यम हूँ जी। तो यानी कि आपका बेटा ही समाज सेवा और ज़्यादा करता है। तो मैम, आप अपनी यहाँ रशीदपुर जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? रशीदपुर के तमाम मतदाताओं से अपील करती हूँ कि एक बार फिर हमको दोबारा मौका मुखिया प्रत्याशी पुल छाप पर वोट दे करके प्रतिमा देवी को भारी मतों से विजयी बनाएं। यही मेरी उम्मीद है। जितना जो काम बच गया है आगे भी देखा जाएगा, किया जाएगा, हर जनता का इच्छा पूरा होगा। ये तो मेरा अंतिम उद्देश्य है, जो कि राजनीति में जब से आए हैं तब से जनता की सेवा ही मेरा परम धर्म हो गया है। सौ धन्यवाद। तो अभी आप रूबरू हो रहे थे प्रतिमा देवी, जो कि यहाँ के निवर्तमान मुखिया हैं और फिर से इस बार मुखिया पद के प्रत्याशी हैं। और चलिए अब मैं आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ उनके बेटा, जो कि नेतृत्व कर रहे हैं अपने माँ का और पहले भी समाज सेवा, करीब 2002 से ही समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं और इस बार कौन सी इनका क्या विकास कार्य रहेगा और किस मुद्दे को लेकर इस बार फिर से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नमस्कार सर, केबीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी सर, आपका भी जी हमारे पंचायत में हमारे घर पर स्वागत है जी। धन्यवाद सर। सर, केबीटीवी के माध्यम से जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आप अपना थोड़ा परिचय बता दें। हम समाज सेवी चंद्र प्रकाश चौधरी, पूर्व में मुखिया प्रत्याशी दो बार रह चुका हूँ, और हमारे पंचायत के सभी समाज के नागरिक एवं हमारे मतदाता मालिक का के आशीर्वाद से हमारी माँ 2016 में हमारे पंचायत की मुखिया में विजय हुई, और उनके नेतृत्व में उनके कहना अनुसार हम सामाजिक काम में, सरकारी कल्याणकारी लाभ मने काम में, मने समाज का काम किए हैं, सह सरकार के बीच में समन्वय स्थापित किए जी। तो सर, ये राजनीति का आपका सफर कब से शुरू हुआ और कैसे रुझान हुआ? हम अच्छे परिवार, जिसमें हम संसाधन हम लोगों को बचपन से देखने को मिला, जिससे हमारा मनोबल और हमेशा अच्छा रहा समाज में। हम अपने आप को स्ट्रगल, अपने आप को स्थापित करने में मने साबित हो सकते हैं, ये आत्मविश्वास हमें भगवान के द्वारा और समाज में प्रतिष्ठा के सम्मान मिलने के आधार पर हमें बरकरार हुआ, जिससे हम युवा उम्र में समाज सेवी समाज सेवा में आगे आए जी। साथ ही साथ 2006 में मेरे पंचायत में अन्य मुखिया पद पर मने अन्य मने समान अन्य मने सीट था, जिसमें हम अपना भागीदारी सुनिश्चित किए। हमारे समाज के सभी समाज के जागरूक
मतदाता मालिक के आशीर्वाद से उपविजेता और दो तिहाई वोट आने में सफल हुए। 887 वोट 2006 में हमको मुखिया में मिला और साथ ही साथ समाज के सभी लोग का सम्मान चुनाव के बाद भी हमारे साथ रहा, जिससे मैंने अपना जीवन इसी रास्ता पर इसी आधार पर मैंने आगे बढ़ाते गए। एवं 2011 में फिर हम मुखिया प्रत्याशी बतौर उम्मीदवार ग्राम पंचायत राज रसीदपुर में हुए, फिर हम वह सफल रहे, हमको 1176 वोट मिला, हमारा वोट प्रतिशत फिर बढ़ गया। हमारे पंचायत में हम पर समाज के सभी लोग भरोसा करते गए। हम इसीलिए समाज सेवी के तौर पर फिर अपना समाज के बीच में पहचान को बचाने में कामयाब हुए। 2016 में सरकार के नियमानुसार हमारे पंचायत में समान महिला पद पर महिला आरक्षित सीट हुआ, तो हमने अपनी आदरणीय श्रीमती हमारी माँ प्रतिमा देवी जी बतौर प्रत्याशी बनी ग्राम पंचायत राज रसीदपुर की, और सभी हमारे मतदाता मालिक के आशीर्वाद से वो विजय हुए और उनके नियमानुसार कहने के अनुसार एवं उनका प्रतिनिधित्व करने का हमको सौभाग्य मिला। साथ ही साथ हम अपने पंचायत में गलती करते हुए जो हमको मार्गदर्शन एवं हमारा अपना नेतृत्व विवेक जो हमारे सोच से जो काम आया, हम स्वाक्षर उसको पूरा करने का अपन मैंने निश्चित किए, प्रयास किए। जी तो सर, आप पहले भी कई बार मुखिया रह चुके हैं, तो आपका कैसा कार्यकाल रहा? जनप्रतिनिधि एक तरह से एक श्रृंखला है, इसमें हर एक पद पे अगर आपका विचारधारा के प्रतिनिधि मौजूद नहीं रहेंगे तो नौकरशाही आप पर हावी हो जाएगा और हमेशा आपके विचार को आड़े लेगा, जिसमें वो आपको, क्योंकि उन लोग आपस में अपना एक रूल बनाए रहे हुए होते हैं। इसीलिए हम चाहेंगे हमसे जुड़े हुए हमारी विचारधारा को जितने प्रत्याशी पसंद करते हैं उनको हमारे साथ साथ हमारे पंचायत के मतदाता मालिक उनको भी चुनने का काम करें। जी तो सर, इस बार फिर से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी विकास कार्य बचा हुआ है और कौन कौन सी अभी मुख्य समस्या है यहाँ की जनता की? हमारे पंचायत में बहुत वार्ड एक साथ मैंने स्थापित हैं, जिसमें क्षेत्रफल कम है और आबादी विशाल है, बेसी है, इसलिए नाला का व्यवस्था होना ज़्यादा हमारे पंचायत में ज़रूरी है। हमारा पहचान एक भरोसेमंद परिवार के तौर पर हमारे पंचायत में है, इसीलिए हम कभी भी किन्हीं के भावना को कम करने का काम नहीं किए, जिसके लिए हमें विकास पूरक होने में अधूरा रह गया। रही बात सम्मिलित प्रयास करने से अगर निदान या रास्ता निकलता है, तो मैं अपने पंचायत के विकास में पूरे से पूरे योजना का सत उतारने का काम सरकार के अनुसार करूंगा। जी तो सर, जैसे कि आप फिर से इस बार मुखिया बनकर आते हैं और विगत 2 वर्षों से ये शिक्षा का स्तर खास करके कोरोना के महामारी के कारण बहुत नीचे गिर चुका है, तो आप जीत कर जब फिर से दोबारा मुखिया बनकर आते हैं तो आप शिक्षा के लिए क्या काम करेंगे? मैं आपको कहना चाहता हूं, जो
हमारे पंचायत में मुखिया जी का मूल काम हमारे पंचायत के सभी आदमी को सरकार के हमारा जो मैंने निश्चित हमारा कार्य क्षेत्र है जी। मैं अगर हर विभाग में दखल अंदाजी करूँगा हमारे पंचायत के ही सभी माँ चाची सब शिक्षक हैं तो स्वाभाविक है जो हम शिक्षा में मान लीजिए उसके लिए सरकार जो है सो अपना ब्यूरोक्रेसी बहाल किए हुए है, हम अगर उसमें अपना आप जनता का शक्ति दिखाने का प्रयोग करेंगे तो स्वाभाविक है जो उसमें कोई आदमी आहत आएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं आपके स्टूडियो से जो सवाल जो है सो समाज में हम मंत्री वाला काम नहीं कर सकते हैं, अगर हम वादा कर चुनाव के माहौल है कहिएगा तो कर लेंगे, लेकिन हमारा शुरू से सोच है जो किसी के स्वतंत्रता में दखल अंदाजी नहीं करने का, हम सबके भावना को महसूस करते हुए चलने वाले लोग हैं। और हाँ, हमको अगर हमारे पंचायत के जनता वार्ड सदस्य हमारे मन की जो शिक्षकगण कह बोलेंगे कि जो मुखिया जी आप आइए, आपका आवाज़ का जरूरी है, आपके कलम का दस्तखत का जरूरी है, तो मैं चाहूँगा जो हमारे पंचायत के जरूर मुखिया जी और पर उनका हम करने वाले मने जनप्रतिनिधि हम जरूर उनको सहायता सहयोग देंगे जी। तो सर जब आप मुखिया फिर से बनकर आते हैं तो कौन कौन सी विकास कार्य करेंगे और सबसे पहले विकास की प्राथमिकता क्या होगी आपकी? हमारी विकास की प्राथमिकता होगी जो हमारे पंचायत में लाभुक वृद्धा पेंशन में छूट गए हैं, उनका उम्र है लेकिन कागज से वो सरकार का पूरक नहीं हो रहे हैं, आधार कार्ड उनका सुधार नहीं हो रहा है, कुछ ऐसे भी हैं लाभार्थी जो अपना बैंक में खाता नहीं खोला सके हैं, साथ ही साथ जो वंचित लोग हमारे पंचायत के राशन किराशन कार्ड से हैं लाभुक से हैं, मैं उनको प्राथमिकता के आधार पर सरकार के यहाँ अर्जी लगाकर और प्रयास करूँगा जो उनका नाम जोड़वाने का, एवं हम अपने पंचायत को भयमुक्त साथ ही साथ अस्थिर समाज देने का काम करेंगे जो हम 5 साल में लगातार मैंने बरकरार रखे हैं। हमारे पंचायत में कोई उन्माद नहीं हुआ, कोई प्रकार का माहौल खराब नहीं हुआ और सबको अपना पर्व त्यौहार साथ ही साथ सबको मैंने कीजिए अपनी बात रखने का अधिकार और हर क्षेत्र में 24 घंटा में कोई भी समय जाने के लिए अपना नैतिक मन उनको अपना मन विवेक पर बरकरार रहा और अस्थिर हम अपना पंचायत को बरकरार रखे, उसमें हम कामयाब हुए, ये हमारा आत्मविश्वास बोल रहा है कहता है जी। तो सर आप जैसे पिछले 5 सालों से मुखिया कार्यकाल में रहे हैं तो विगत 2 वर्ष जो लॉकडाउन की ये महामारी चल रही थी और मुश्किल की घड़ी चल रही थी, इस मुश्किल की घड़ी में आप अपने जनता के बीच अपने पंचायत में किस तरह से इस मुश्किल को घड़ी को संभाले? सबसे पहले हम हमारे पंचायत के जो हमारे समाज के रोजी रोजगार के लिए गांव से राज्य से बाहर लोग रह रहे हैं उनको मोबाइल पर हम उनके सुख दुख को बांटने का काम किए एवं उनके आने पर स्वदेह उपस्थित होकर अपना गरीब वाहन देकर उनको सरकार के द्वारा जहां पर उनका रखा गया कोरोना सेंटर वहां पर उनको पहुंचाने का काम किए एवं लगातार सुबह शाम उनसे हमेशा मिलते जुलते रहे और जो हमसे बन सका उनको सहायता भी किए एवं हम अपने कार्यकाल में सभी को हमारे तरफ से जो हो सका हम कुछ
राशन देने का भी काम किए और हमारे साथी जो हमारे साथ में हमको पंचायत में सहायता देते हैं उनके द्वारा घर घर जाके साबुन मास्क चूड़ा वितरण मीठा हर चीज़ का हम लोग स्वदेह हर परिवार को पहुंचाने का कोरोना काल में सहयोग सहायता अपने पंचायत को दिए। जी सर, मैं सैल्यूट करती हूँ कि ये मुश्किल की घड़ी को आपने इस तरह से तत्पर होकर संभाले हैं। तो सर, यहाँ रशीदपुर पंचायत की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मौका ऐसे सार्वजनिक तौर पर हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चुनाव है, हम अपनी बात रखते हुए ये हमारा कार्यकाल मुखिया पद पर, उसके बाद हम लोग फिर आप लोगों को जिताएंगे बनाएंगे, इसीलिए दो बार हारे हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से एक बार जीते हैं, एक बार और हम लोगों को आशीर्वाद देने का काम करिए, यही हम अपने ग्रामवासी से अपील करते हैं, वोट मांगते हैं। हमारा चुनाव चिन्ह पुल छाप है जो क्रम संख्या 5 पर है, हमारी प्रत्याशी श्रीमती प्रतिमा देवी जिनका चुनाव चिन्ह पुल छाप क्रम संख्या 5 पर है, ग्राम पंचायत राज रशीदपुर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1-1 से। तो अभी आप रूबरू हो रहे थे चंद्र प्रकाश चौधरी जी से, जिनका कहना है कि हमने पिछले वर्ष 5 वर्ष एक अच्छे कार्यकाल के काम किए हैं विकास का, तो इस बार फिर से इन्होंने मुखिया पद पे दावेदारी पेश किए हैं और इस बार फिर से विजयी हो रहे हैं। तो चलिए हम आगे जानते हैं आखिर क्या होता है, यहाँ की जनता के हाथों में है और जनता क्या चाहती है यहाँ पर। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना मत का उपयोग अवश्य करें और बिल्कुल स्वतंत्र रूप से करें, और एक अच्छे प्रत्याशी का जो ईमानदार हो और आपके सुख दुख में हमेशा खड़े हो, आप हमेशा ही ऐसे ही प्रत्याशी का चुनाव करें। धन्यवाद। राम कुमार सहनी जी। तो सर, इस बार आप मुखिया पद पे किनको जिता रहे? इस बार जो है, अगले बार भी जिताए हैं प्रतिमा देवी जी। इस बार भी प्रतिमा देवी भारी बहुमत से जीत रही है जी। और हमारे पंचायत में जो आज तक काम किए हैं, कोई मुखिया पूरे बिहार में नहीं काम किया जी। हमारे पंचायत में प्रत्येक वर्ष 100 से 200 व्यक्ति मरते हैं, सभी आदमी को जलावन देते हैं, पैसा देते हैं, गाड़ी भाड़ा कर देते हैं, सभी देते हैं जी। और पंचायत में जितना है नल जल योजना, आवास और जो है सो रोड करीब करीब 50 को बना है जी। और जो कुछ रोड बाकी है वो भी इस चुनाव जीतने के बाद ही पूरा हम लोग कर लेंगे। Is it my choice?